हम हर दिन बात करते हैं शबनम की, उसके गुनाह की, उसके प्यार की, उसके लिए नफ़रत की। और आप यकीन मानिए, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने शबनम से भी ज़्यादा बड़े अपराध किए हैं। अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता, अपराध तो अपराध होता है, लेकिन उनके गुनाह अगर शबनम से ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। शबनम ने जो किया सो किया, क्या कोई माँ अपने बच्चे को गला घोट के मार सकती है, वो भी अपने प्रेमी के लिए? ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेके आई हूं जो आपकी रूह कपा देगी। आप बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो जाएंगे और आप ये ज़रूर सोचेंगे कि गुनाह को कैसे समझा जाए और औरत को कैसे समझा जाए। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको सच्ची घटना से रूबरू कराती हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की। अक्सर ये बात होती है कि शबनम और सलीम ने मिल करके अपने माता पिता और परिजनों को मार दिया, लेकिन यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मार दिया और इतनी बेरहमी से मारा कि जो छोटा बच्चा था वो भी डर जाता है और जब वो रोता है तो माँ उसका भी गला दबा के उसको मार देती है। इकलौते बेटे को वो नींद की गोद में सुला देती है। पूरी घटना मैं आपको बताती हूँ। ये घटना है 2016 की, शाहपुर के बशारतपुर निवासी अर्चना के पति डॉक्टर ओम प्रकाश व उसके बेटे की घर में हत्या कर दी जाती है और जब तफ्तीश होती है तो किसी को ये अंदाज नहीं होता कि ये घटना को किसने अंजाम दिया है। पुलिस को ओम प्रकाश की माँ यानी कि जो डॉक्टर साहब हैं उनकी माँ ने सूचित किया और उन्होंने ये भी बताया और डॉक्टर की माँ ने पुलिस को ये भी बताया कि अर्चना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उनके बेटे की हत्या की है। और अर्चना की दोस्ती होती है अपने प्रेमी से फेसबुक के जरिए। जब अर्चना अपने मायके लखनऊ जाती है तो छिप छिप के अपने प्रेमी से मिलती है और एक दिन पति को पता चलना ही था। सो पति को जब शक होता है तो दोनों ने सोचा, यानी कि अर्चना और उसके प्रेमी ने सोचा कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। और उस रात अजय वहाँ पहुँचा। अर्चना ने दरवाज़ा खोला, अजय घर के अंदर दाखिल होता है। दोनों ने सो रहे डॉक्टर साहब को एक हथौड़ा मार करके मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान छोटा बच्चा जो उसका बेटा था अर्चना का, नितिन, वो भी जग जाता है और वो अपने पिता को खून से लथपथ हुआ देख करके रोने लग जाता है, माँ की गोद में छिप जाता है, लेकिन अर्चना ने उसका भी गला घोट दिया। अब इसे क्या कहा जाए? जिस बेटे को माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा और उसके लिए प्रसव पीड़ा झेली, उसी को मार दिया। ये बहुत सोचने की बात है। तभी से अर्चना और उसका प्रेमी अजय जेल में है। और दोस्तों, एक और हैरानी की बात है, इस घिनौने काम के बाद भी अर्चना और अजय को कोई पछतावा नहीं है। दोनों ने जेल से ही एक दूसरे को मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए कई बार अर्जी दी है, लेकिन कानूनन दोनों के बीच में चूंकि कोई भी रिश्ता नहीं है इसलिए उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों, इसकी अगली कड़ी मैं अगले शनिवार को आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।